बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवास का जो दिन है वो बहुत ही पवित्र है, तीन महापुरुषों का तिरुभाव। तो ये तिरुभाव दिवस जो है एक ही दिन का है, तो तिथि तो है एक ही लेकिन वर्ष अलग अलग है। आज की जो तिथि है आश्विन शुक्ला द्वादशी, तो आश्विन शुक्ला द्वादशी को तीनों का तिरुभाव हुआ लेकिन उसी दिन नहीं हुआ। तिथि तो है लेकिन वर्ष अलग अलग है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है आज, और उन्होंने जो चैतन्य चरितामृत की रचना की तो वो इतनी दिव्य है कि प्रभुपाद ने उसका अनुवाद लिखा, उसका तात्पर्य लिखा प्रभुपाद ने, और इस रचना को उन्होंने बहुत महत्व दिया। प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के पूरे श्लोकों का तात्पर्य लिखना चाहते थे लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं पूरा तो श्रीमद् भागवत नहीं कर पाऊँगा, तो चैतन्य चरितामृत को उन्होंने बीच में ही मतलब ये काम किया कि चैतन्य चरितामृत फिर रह जाएगा। तो प्रभुपाद को इतना चिंता थी कि श्रीमद् भागवत का जो काम है वो भी शायद पूरा नहीं कर पाएंगे और चैतन्य चरितामृत भी नहीं हो पाएगा, तो श्रीमद् भागवत को बीच में ही रोक करके और चैतन्य चरितामृत जो है उन्होंने पूरा जो है तात्पर्य दिया। 18 महीनों में उन्होंने जो है पूरा चैतन्य चरितामृत जो है वो डिक्टा फोन पर बोला, और फिर जब उसके खंड 9 खंडों में छापा गया, पहले 17 खंडों में छापना था, 17 खंडों में छापा गया, तो प्रभुपाद ने अवधि दी 2 महीने में छापना 17 के 17 खंड। उनके जो शिष्य थे रामेश्वर बोले प्रभुपाद हम अगर बहुत जल्दी जल्दी करें तो 2 महीने में 1 खंड छाप सकते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, 2 महीने में 17 खंड छापना, चैतन्य चरितामृत के 17 खंड 2 महीने में छापना, और उसमें जो है कितना कितना काम है, चित्र भी बनाना है, चित्रों को रंगना है और सब जो है टाइपिंग करना है, उसकी प्रूफ रीडिंग करनी है, उसके कवर किताब के कवर भी बनाने हैं, इतना काम, और 2 महीने में दिन रात भक्तों ने जो है परिश्रम किया, खाना सोना सब वहीं पर ही खा रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं, वहीं पर काम कर रहे हैं, ऐसे दिन रात करके जो है चैतन्य चरितामृत का जो है 17 खंड जो है मतलब छाप करके तैयार किए। तो चैतन्य चरितामृत इतना महत्वपूर्ण है, और अब तो हमारे मंदिर में हर सोमवार को चैतन्य चरितामृत पर प्रवचन होता है। तो चैतन्य चरितामृत पर प्रवचन होता है जो कृष्णदास कविराज ने लिखा, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का विशेष योगदान ये है कि वे राधा गोविंद मंदिर में रोज भागवत कथा करते थे और उनके मधुर स्वर में श्रीमद् भागवत के श्लोकों का बहुत सुंदर गान होता था, गाते थे श्रीमद् भागवत के श्लोकों को, जब गाते थे एक ही श्लोक को 4 अलग अलग रागों में गाते थे, एक ही श्लोक को 4 अलग अलग रागों में गाते थे, है ना। तो उनका इतना मधुर गान था। अब उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो जो है रिकॉर्डिंग उनकी होती, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, कम से कम ऑडियो रिकॉर्डिंग होती तो हम लोग भी सुन पाते कि कितने सुंदर जो है वो श्लोकों का गान करते हैं। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने जो है गोविंद जी के मंदिर में जो श्रीमद् भागवत की रोज कथा सुनाने का नियम बनाया था, तो वही नियम जो है प्रभुपाद ने अपने हमारे इस्कॉन के सब मंदिरों में बनाया। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का बहुत बड़ा योगदान यही है कि रोज श्रीमद् भागवत का जो है वो प्रवचन करते थे मंदिर में। तो मंदिर का मतलब यही है कि श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया जाए या भगवद गीता का प्रवचन किया जाए,
चैतन्य चरितामृत का प्रवचन किया जाए या जो आविर्भाव तिरुभाव होते हैं आचार्यों के उनके बारे में बोला जाए, तो भगवान का संदेश और भगवान की कथा अगर मंदिर में ना होए तो उतना जो है लाभ नहीं है, मंदिर का इतना लाभ नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद ने अपने एक प्रवचन में यह बात बोली थी। प्रभुपाद ने प्रवचन दिया था श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के सातवें अध्याय के छठवें श्लोक पर और 23 अप्रैल 1977 को वृंदावन में प्रवचन दिया था। तो प्रभुपाद ने यह बात बोली थी, हमें प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। इस्कॉन के मंदिर प्रतिदिन भागवत श्रवण करने के लिए ही हैं। आपको नियमित रूप से प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए और ऐसा करने से आपके सभी अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। तब आप जान पाएंगे कि श्री कृष्ण ही परम पुरुष परम भगवान है। तो ये जो है मतलब बड़ी महत्वपूर्ण है। आज रघुनाथ दास गोस्वामी का भी तिरुभाव दिवस है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी को तो हम कई बार याद करते हैं साल में, उनका आविर्भाव भी आता है और तिरुभाव भी आता है तो साल में 2 दिन उनको याद करते हैं। फिर पानी हाटी चेतातिथि है महोत्सव के दिन भी रघुनाथ दास गोस्वामी को हम याद करते हैं, उनके संबंध में भी वो चेतातिथि महोत्सव होता है। राधाकुंड का प्राकट्य, राधाकुंड का प्राकट्य में भी रघुनाथ दास गोस्वामी को याद करते हैं, उन्होंने राधाकुंड का निर्माण कराया। तो इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत याद करते हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी को केवल साल में एक ही दिन हम याद करते हैं। आज के दिन उनका तिरुभाव दिवस, उनका आविर्भाव दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का भी आज तिरुभाव दिवस है, उनको भी केवल साल में एक ही बार याद करते हैं, उनका आविर्भाव दिवस हमारे वैष्णव कैलेंडर में नहीं है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का विशेष योगदान श्रीमद् भागवत कथा रोज मंदिर में करना है या सुनना, तो हमारा जो है कार्य है कि हम यह रोज प्रतिदिन श्रीमद् भागवत कथा सुनाएं या सुने, उपस्थित रहें। श्रीमद् भागवत कथा में सुनना है चाहे सुनाना है, लेकिन उपस्थित रहना। और कृष्णदास कविराज ने जो लिखा चैतन्य चरितामृत, वो चैतन्य चरितामृत भी जो है मंदिर में सप्ताह में एक दिन जो है कथा होती है, चैतन्य चरितामृत की कथा होती है। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का जो वर्णन है उसमें विशेष रूप से सिद्धांत की चर्चा है और सिद्धांत जो है बहुत आवश्यक है हमारे लिए सुनना है। जो वैष्णव का सिद्धांत है तो वो जो है कितना सही है और जो मायावादियों के सिद्धांत हैं वो कितने गलत हैं हमें सब सीखना चाहिए, और जो असत सिद्धांत हैं उनका खंडन करना चाहिए, जो वैष्णव सिद्धांत हैं उनकी स्थापना करना चाहिए। इसके लिए चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है वो बहुत पूर्ण ग्रंथ है। तो इस तरह से हमें आज बहुत विशेष जो दिवस प्राप्त हुआ है इसमें 3 महापुरुषों की कृपा का सीधे उनका द्वार खुला हुआ है। ऐसे दिनों में जो है महापुरुषों की कृपा का जो है सीधे द्वार खुल जाता है कि हमें जो है उनकी कृपा सीधे प्राप्त होती है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है तो हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का तिरुभाव दिवस उनकी कृपा प्राप्त होती है, रघुनाथ दास गोस्वामी का तिरुभाव दिवस उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो 3 महापुरुषों की कृपा प्राप्त होना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम जो है उन 3 महापुरुषों की कृपा की याचना करते हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।